हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपकी फैमिली को मेरा सादर नमस्कार। तो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज मैं मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, जो आपके लिए सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो, उसे क्या कहते हैं। तो गाइस, बताना है कि वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं। क्रमसूचक मापनी, नामित मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी। तो गाइस, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि अनुपात मापनी। ऐसी मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होता है, उसे अनुपात मापनी कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। फ्राइड के अनुसार, ये प्राइड नहीं होगा, यहाँ पे फ्राइड होगा। तो फ्राइड के अनुसार हमारे मूलों का आंतरिकीकरण में होता है। तो गाइज, बताना है किस में हमारा आंतरिकीकरण होता है। अहम में, इदम में, परा अहम में या फिर परिस्थितियों में। तो गाइज, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारे मूलों का जो आंतरिकीकरण होता है वो किस में होता है, वो हमारा परा अहम में होता है। परा अहम में हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं भैया, अहम, इदम, परा अहम, ये सब क्या होता है। आपने सुना होगा इड, ईगो और सुपर ईगो, तो वही है भैया। ये उसे इंग्लिश में बोलते हैं और ये हिंदी में बोलते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। अब देखिए भाई, ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई ये वाली। अब इसको हम पढ़ेंगे कि बहे व्यवहारवादी, यानी व्यवहारवादी, एक ऐसा व्यवहारवादी बताना है कि किसने ये कहा है। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूँ, डॉक्टर, वकील, चोर, जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसने कहा भैया, न्यूमैन ने कहा, फ्रीमैन ने कहा, वॉटसन ने कहा या फिर होल्जिंगर ने कहा। तो भैया किसने कहा, तो ये किसने कहा, तो ये वॉटसन साहब ने कहा था। वॉटसन साहब ने कहा था कि एक काम करो, तो मुझे कोई सा भी बच्चा दे दो, कैसा भी, ठीक है, मुझे नवजात बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, डाकू, सिपाही, जो चाहो आप कहोगे मुझसे, मैं वो बना दूंगा। ये किसने कहा, तो ये वॉटसन साहब ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा कि ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। अब भैया, हमारा जो ध्यान होता है, माइंड का जो कंसंट्रेट होता है, तो उसको कंसंट्रेट करने में किसकी मुख्य भूमिका होती है, तो वो बताना है आपको किसकी होती है। उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा, यानी कि उद्दीपन की तीव्रता इसका आंसर होगा। लेकिन भैया ये है क्या, तो भैया एक बात होता है, उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन यानी कि लक्ष्य। अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो क्या करना है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तभी तो हम उस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि हमारा ध्यान आकर्षित तो तभी होगा। हाँ गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन है हमारा कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है, बताना है आपको। सहानुभूति, शिक्षण, समदृष्टि या प्रेरणा। तो क्या कहते हैं रुचि उत्पन्न करने की कला को, तो भैया क्या कहते हैं, प्रेरणा। क्या कहते हैं, प्रेरणा। अब भैया, हम किसी बच्चे को जो प्रेरणा देंगे, उससे समझाएंगे अच्छे से, उसे प्रेरणा देंगे, मोटिवेशन देंगे, तभी तो भैया उसमें रुचि उत्पन्न होगी, तभी तो वो कार्य कर पाएगा। हाँ भैया, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब इसमें देखिए भैया, थोड़ा सा मिसप्रिंट ये हो रहा है कि फ्राइड की जगह प्राइड लिख गया है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होना है, वो फ्राइड ही लिखा हुआ है, ठीक है। फ्राइड के अनुसार आपको बताना है कि विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ग्रहण किए या सीखे हुए तत्वों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को ही विस्मरण कहते हैं। अगला ऑप्शन कहता है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
थ्री इज राइट आंसर। यानी कि फ्राइड की बात करें कि फ्राइड महोदय ने क्या कहा कि विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया कर दिया जाता है, ये फ्राइड महोदय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि एस ओ आर थ्योरी किसने दी। एस ओ आर थ्योरी किसने दी भैया बताना है, एस ओ आर थ्योरी किसने दी, कोफ का, वॉटसन, कोहलर, किसने दी भैया? तो ये किसने दी, वॉटसन साहब ने। किसने भैया, ये इसमें वॉटसन नहीं होगा, इसमें क्या है कि मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट है इसमें। आगे देखते हैं ऑप्शन होता है तो, ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वुडवर्थ होगा। एस ओ आर थ्योरी वुडवर्थ ने दी थी, एस ओ आर थ्योरी वुडवर्थ ने दी थी। तो आप अगला ऑप्शन वुडवर्थ मान लेंगे, ठीक है। लेकिन वुडवर्थ भैया कहाँ के निवासी थे, तो वह यूएसए के, यानी कि वुडवर्थ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ओके गाइस, एस ओ आर थ्योरी किसने दी, तो वुडवर्थ ने दी थी। अब भैया आपको बताना ये है कि एस आर थ्योरी किसने दी, तो एस आर थ्योरी किसने दी, तो वो दी थी आपके थॉर्नडाइक साहब ने। थॉर्नडाइक साहब ने दी थी, किसने, थॉर्नडाइक साहब ने एस आर थ्योरी दी थी। आर टाइप थ्योरी किसने दी भैया, आर टाइप किसने दी थी, तो वो दी थी स्किनर साहब ने। किसने, स्किनर महोदय ने, स्किनर महोदय ने आर टाइप दी। अब भैया एस टाइप किसने दी, तो वो दी आपकी पावलाव साहब ने। पावलाव ने कौन सी दी, तो वो एस टाइप थ्योरी दी। ओके गाइस, कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि ध्यान को आकर्षित यानी को ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा क्या कहलाती है। अगर हमें ध्यान अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है तो उसकी जो आंतरिक दिशा है उसको क्या कहते हैं, वो बताना है। नवीनता, अवधि, रुचि या आकार। तो क्या होगा, रुचि, क्या होगा, रुचि भैया। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा रुचि कहलाती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है। तो भैया ये तो आप सभी जानते हो, क्या कहलाता है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही कहलाता है, सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि भैया हम अगर मान लो साइकिल चलाते हैं, अब साइकिल जब हम सीख रहे हैं तो साइकिल हमने सीख ली, अब साइकिल सीखने के बाद में अगर हम मोटरसाइकिल चला लेते हैं तो यानी कि एक परिस्थिति में सीखे ज्ञान से क्या हुआ, दूसरी परिस्थिति में भी यूज किया हमने उसको, जब यूज किया तो क्या हुआ, सीखने का स्थानांतरण हो गया। और भैया ये क्या है, धनात्मक स्थानांतरण है, क्योंकि इसमें क्या होगा, मैंने जो एग्जाम्पल दिया ये धनात्मक स्थानांतरण का एग्जाम्पल था। लेकिन भैया कितने टाइप का होता है स्थानांतरण, तो 3 टाइप का होता है। एक होता है धनात्मक स्थानांतरण, एक होता है ऋणात्मक स्थानांतरण, और एक क्या होता है लास्ट, लास्ट हमारा होता है शून्य स्थानांतरण, यानी कि उसमें कोई भी स्थानांतरण नहीं होता, जैसे का तैसा ही रहता है। ओके गाइस, तो गाइस मेरी व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप व्याख्या को जरूर ध्यान से सुने और वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, ध्यान से सुने। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, सीखना, स्मृति, प्रेरणा या चिंतन। तो क्या कहलाता है गाइज, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है, आवृत्ति बहुभुज, स्तंभ आकृति, संचयी आवृत्ति या फिर रेखाचित्र। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, स्तंभ आकृति, स्तंभ आकृति। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभ आकृति कहते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो भैया कौन सा होगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, बाल्यावस्था इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, अधिकतम पूछा है विकास किस में होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर, नैतिकता पर, मूल्य प्रवृत्ति पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, वो क्या होता है भैया, मूल प्रवृत्ति पर उसका व्यवहार आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया, वनमानुष पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर या चूहों पर।
तो भैया किस पे किया था? वनमानसों पे प्रयोग किया था, यह आपको सबको पता है। लेकिन भैया इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से। कि भैया उसने जो उसका बंदर था यानी कि जो वनमानस था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था भैया? सुल्तान। नाम उसका था सुल्तान। कितने प्रयोग किए? तो सुल्तान पर 6 प्रयोग किए। कितने? 6 प्रयोग किए थे भैया। अब भैया कौन से द्वीप पर किए, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखें। टेनेसिया द्वीप, द्वीप का क्या नाम है? टेनेसिया नामक द्वीप पर उन्होंने प्रयोग किए थे। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। क्या होंगे? यानी अध्ययनशील, सृजनशीलता होगी, विश्लेषण करने या अच्छे अंक प्राप्त करके। ये सब क्या है भैया? ये समझ में नहीं आया आपके? कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे। एक आवश्यक यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी होंगे। अब भैया क्या होंगे? तो सृजनशीलता। जरूरी नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि है उसकी तो उसमें सृजनशीलता हो, समझ रहे हो? उसमें सृजनशीलता होना जरूरी नहीं है अगर उसमें उच्च बुद्धि लब्धि है तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया? स्किनर ने, पावलाव ने, वाटसन ने या थार्नडाइक ने? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर भैया क्या होगा? हाँ, आंसर बताइए। तो आंसर होगा इसका डी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अधिगम में जो प्रभाव का नियम दिया था वो थार्नडाइक ने दिया था। लेकिन भैया थार्नडाइक ने कितने नियम दिए? तो 2 नियम दिए थे, पहले प्रमुख नियम और गौड़ नियम। प्रमुख नियम कितने थे? तो 3 थे। गौड़ नियम कितने थे? 5 थे। ओके गाइस, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति की मापने के लिए नहीं किया जाता है? तार्किक विधि, प्रत्याहान विधि, पहचान विधि या फिर पुनः सीखना के द्वारा? तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। हाँ, आंसर होगा फर्स्ट विधि, यानी कि जो तार्किक विधि होती है, तर्क करने वाली विधि होती है, उसमें क्या होता है? स्मृति की मापन नहीं किया जाता है। इसमें स्मृति का मापन नहीं किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि एक कमेंट आता है मेरे पास कि उसमें क्या है कि सर आप बहुत धीरे पढ़ाते हो। अब भैया व्याख्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ लेकिन एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन के आंसर मैं बता देता हूँ, तो मेरी व्याख्या को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको बुक्स की PDF मिल जाएगी फ्री में बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? होल्जमैन, साइमंड, मरे या बेलक? तो किसने किया था भैया? मरे एवं मॉर्गन ने किया था। कब किया भैया? मरे एवं मॉर्गन ने, लेकिन कब किया? 1935 में। 1935 में मरे एवं मॉर्गन ने किया था। अब भैया मरे एवं मॉर्गन ने किया तो था, लेकिन कितने कार्ड होते थे इसमें? ये क्या होता है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे TAT बोलते हैं। इसमें 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक तो सादा होता है भैया। 30 क्या होते हैं? 30 हमारे रंगीन कार्ड होते हैं। ओके गाइस, हाँ, और ये थे कहाँ के? तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, मूरे जो थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रशिक्षक थे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है किसमें? शिक्षक केंद्रित शिक्षा में, विषय केंद्रित शिक्षा में, क्रिया केंद्रित शिक्षा में या बाल केंद्रित शिक्षा में? तो इसका राइट आंसर आपको सबको पता है क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा में मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन सा? वर्गीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर वैयक्तिकता का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्गीकरण का सिद्धांत। जो वर्गीकरण का सिद्धांत है वह वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन है आपके सादृश्यता का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या सहचर्य के नियम? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तत्परता का नियम जो है वह पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए नियम पर आधारित है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? तो क्या होता है भैया, विभेदीकरण, सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथककरण? तो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण होता है। देखिए इस भैया, सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है। और प्रत्यक्षीकरण के बाद क्या होता है? उसके बाद होता है भैया विभेदीकरण। प्रत्यक्षीकरण के बाद विभेदीकरण, उसके बाद आता है पृथक्करण, और सबसे लास्ट में क्या आता है? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, सामान्यीकरण और वो सॉरी प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण और सामान्यीकरण। ओके, इसको क्रम को जरूर याद रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया था? अल्बर्ट वांडूरा, टॉलमैन, थोर्नडाइक या कोहलर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वेंडूरा, अल्बर्ट वेंडूरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय अल्बर्ट वेंडूरा ने दिया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? आगमन विधि, निगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, आगमन विधि। भैया आगमन विधि में ही तो होता है कि पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर निरीक्षण, फिर विश्लेषण और उसके बाद वर्गीकरण और लास्ट में नियमीकरण किया जाता है, ठीक है। पहले बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं किसमें? आगमन विधि में। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, तो भैया क्या निर्धारक हैं? उद्दीपन, वस्तु और प्रविधि, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, प्रकाश, ध्वनि, गंध और फोर्थ है पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। तो भैया राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या समझ लेते हैं। व्याख्या क्या है? सबसे पहले भैया आता है अभिरुचि, सबसे पहले अभिरुचि, अभिरुचि के बाद क्या आता है भैया? लक्ष्य। उसके बाद क्या आता है अभिरुचि के बाद? लक्ष्य। लक्ष्य के बाद अभिवृत्ति। लक्ष्य के बाद आता है अभिवृत्ति, और अभिवृत्ति के बाद क्या आता है? आदत, फिर जिज्ञासा, आवश्यकता, उसके बाद प्रशिक्षण और अर्थ। इसका जो क्रम है इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन? तो भैया राइट आंसर क्या होगा? हाँ, अब भैया गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये तो गलत है। केवल शैशवावस्था, तो केवल वाले तो सभी गलत हो जाएंगे, केवल वाले सभी गलत हो जाएंगे, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। अब भैया बह्य अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, उसे क्या कहते हैं? क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और विल्सन सिंड्रोम। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और लगभग ये पूछा ही जाता है हर साल, ठीक है। हाँ, इस बार ज़रूर नहीं पूछा गया ना, तो हर साल ये पूछा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? अब भैया क्या पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, पूर्व पारंपरिक अवस्था जो है वह नैतिकता बाह्य मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है। अब गाइस, मैंने बहुत वीडियो बना रखी हैं, आप चैनल पर देखिए, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, और आप खुद समझदार हैं, आप टीचर बनने वाले हैं, हमारे मोटिवेशन के लिए कम से कम इस पे कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके गाइस, और हाँ, शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। इसमें सही क्रम बताना है कि सही क्रम क्या है।
ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, या फिर ऑप्शन नंबर टू दिया इन्होंने, पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट और युग्मनज। तीसरा इन्होंने दिया है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु और शुक्राणु, और लास्ट दिया है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो अब इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा यही होगा। तो पहले अंडाणु आता है, फिर शुक्राणु बनता है, फिर उससे युग्मनज और लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट होता है। यही क्रम होता है, इसका क्रम को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो भैया किसके द्वारा किया गया? यूंग, क्रेस्मर, सेल्डन या फिर स्प्रिंजर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। लेकिन भैया ये कहाँ के निवासी थे? तो ये स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के निवासी थे भैया, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, अब हम बात करते हैं भैया कि आप एक टीचर हैं, हमारे मोटिवेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एक शेयर तो बनता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ओके गाइस, हाँ, और आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, चैनल के सब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, और वहीं से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।